नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कर्क राशि के लिए अक्टूबर 2018 का राशिफल क्या होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले इस महीने के जो महत्वपूर्ण ग्रह के बदलाव है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो कि गुरु ग्रह में आने वाला है, गुरु ग्रह जो कि करीबन पिछले साल भर से तुला राशि में भ्रमण कर रहा था, वह अभी वृश्चिक राशि में आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। उसी तरह शुक्र जो हमेशा एक महीने के लिए एक राशि में भ्रमण करता है, लेकिन यही शुक्र आपके चतुर्थ भाव में तुला राशि में करीबन अगले 3 महीने तक रहेगा। और यही जो शुक्र है वह शुक्र वक्री अवस्था में दिनांक 5 तारीख से हो रहा है। तो ये जो दो ग्रह है, यह दो ग्रह आपके राशि पर बहुत ज्यादा परिणाम करने वाले हैं। वह परिणाम किस तरह से होंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो द्वितीयेश है, आपका द्वितीयेश रवि या फिर इसे धनेश भी कहा जाता है, और तृतीयेश जो बुध है वह भी, ये दोनों ग्रह आपके चतुर्थ भाव में आने वाले हैं। तो ये जो बदल है वो बदल बहुत ही शुभ कारक है, क्योंकि मैंने देखा है कि और मैंने जाना भी है, महसूस भी किया है कि करीबन जनवरी 2018 से लेकर आपका जो समय है वो अच्छा नहीं चल रहा है। जनवरी, फरवरी और जुलाई और अगस्त, ये दो जो महीने थे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टप्रद थे। मतलब एक तो आपके राशि में ग्रहण भी हुआ था, उसी प्रकार गुरु का भी जो बल बोलते हैं वो आपके राशि में नहीं था। तो इसी वजह से बहुत सी तकलीफों से आप गुजरे हैं, और अभी आगे जाके कुछ अच्छा होगा कि नहीं इसके ऊपर का आपका विश्वास ही थोड़ा कमज़ोर होता हुआ नज़र आपको आता रहेगा। लेकिन आप मान के चलिए कि जैसे ही ये जो गुरु बदल होने वाला है वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुभदायी है, क्योंकि आपके पंचम भाव में ये गुरु जाने वाला है। उसी तरह जो छोटे ग्रह है, मतलब जैसे मैंने कहा जो रवि और बुध, ये जो दो जोड़ी है ग्रहों की, वो भी आपके चतुर्थ भाव में आ रही है। मतलब धनेश और तृतीयेश वो दोनों आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी जो राशि है वह राशि घर वालों से, फैमिली से, कुटुंब से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। मतलब हमेशा आपको आपकी घर वालों की चिंता रहती है, घर के जो मेंबर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। तो यह जो महीना है यह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी है, क्योंकि आप जैसा सोचते हो, आपका जैसा विचार है, आपका जैसा स्वभाव है, उसके अनुसार ही यह जो महीना है अक्टूबर 2018 का, वो आपको उसमें आपको अनुभव होने वाले हैं। क्योंकि जो भी अभी इस महीने में आप जो भी खर्चा करोगे वो आपके फैमिली के ऊपर ही होगा, और खूब, मतलब थोड़ा सा आप बुद्धि लगा के वो जो खर्चा है वो आप खर्चा आप अपने घर वालों के लिए करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो समय है वो समय आप घर वालों को दे पाओगे। इसके पहले क्या हुआ था, करीबन 2 महीने के लिए आप घर वालों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन घर वालों से आपको उतनी अच्छे से मदद नहीं मिल रही थी, आप जैसा सोचते हो उसी तरह से काम नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अक्टूबर महीने में ये जो पूरा वातावरण है घर की स्थिति का, वो पूरी तरह से उसमें बदलाव आ जाएगा, कि जो आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। इसी वजह से आप पूरी तरह से घर में एंजॉय करोगे, घर वालों, घर के जो मेंबर्स हैं उनके लिए आपसे खर्चे भी हो जाएंगे, लेकिन वो आप खुद से ही करोगे, उसके लिए आपके मन में कुछ दुविधा नहीं रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि जो आप घर वालों से बहुत ज़्यादा समाधानी रहोगे, बहुत ज़्यादा सुखी रहोगे। आपको लगेगा कि आपने आपके घर वालों के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसी बात की है जिसके वजह से मन में ही आप पूरी तरह से शांत रहोगे, और इसी तरह से आपका जो ये पूरा महीना है वो पूरा महीना बहुत ही अच्छी तरह से गुजरने वाला है। उसी प्रकार जो शुक्र है, शुक्र आपका चतुर्थेश है और आपका लाभेश भी है। तो यह जो शुक्र है वह शुक्र आपके चतुर्थ भाव में ही रहने वाला है, और वह वक्री होने वाला है दिनांक 5 तारीख से। तो मेरे ख्याल से आप घर का जो वातावरण होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही सुनहरा होगा, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करोगे। लेकिन आपके घर का जो स्त्री वर्ग होगा, हालांकि जो स्त्री वर्ग, मतलब जिसकी आयु ज़्यादा नहीं है, जिसकी आयु 20 साल से लेकर करीबन 40 साल के दरमियान है, ऐसे जो स्त्री वर्ग रहेंगे उनको कुछ ना कुछ तो
बीमारियां या फिर स्वास्थ्य के बारे में कुछ ना कुछ तो तकलीफ होने के बहुत ज्यादा चांसेस है और वो करीबन 5 तारीख से लेकर आगे आपको नजर आएंगे, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि यह जो उनके स्वास्थ्य के बारे में जो तकलीफ होगी वो बहुत बड़ी या फिर ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपके घर में, आपके कुटुंब में, आपके फैमिली में जो भी स्त्री वर्ग है उनको इस तरह के स्वास्थ्य के तकलीफ होने के आसार है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप आपके घर वालों के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसे काम करेंगे जिसके वजह से यह जो आप काम करेंगे वो कई दिनों तक आपके घर वालों के याद में रहेगा, और ऐसी कोई बात रहेगी जो आपने आपके घर वालों के साथ अभी तक शेयर नहीं की है, जो कि जिसे हम बोलते हैं कि आपने घर वालों के लिए बहुत अच्छा जो काम किया, तो जो काम आपने अभी तक बोला नहीं था वो कोई भी ना कोई काम आप घर वालों को घर के जो मेंबर्स है उनके सामने रखोगे जो कि अभी तक आपने नहीं बताया था, थोड़ा सीक्रेट था, तो वो काम आप बताओगे जिसकी वजह से आपकी जो इमेज रहेगी घर वालों के नजरों के सामने वो और ज्यादा बढ़ेगी। आपने किस तरह से डेडिकेशन दी, किस तरह से डेडिकेटेड किया है अपने जीवन को अपने घर वालों के लिए, तो वह जो बात है वह बात आपके घर वालों के सामने आ जाएगी और इसी वजह से आपकी जो इज्जत है, आपको देखने का जो नजरिया है वो और भी उसमें बढ़ोतरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, जो कि आपके लिए भविष्य में बहुत ही अच्छी बात होगी। तो घर के जो मेंबर्स है वो भी आपको अच्छी तरह से रिस्पेक्टफुली देखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो गुरु, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा जो गुरु है वह गुरु आपके चतुर्थ भाव से आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और वह जो गुरु है वह गुरु यहां से आपके भाग्य भाव, लगन भाव और लाभ भाव को देखेगा। इसके बहुत बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे क्योंकि पंचम भाव में जैसे ही गुरु जाएगा, तो जैसे मैंने कहा कि इस वर्ष के शुरुआत से ही आपने देखा है कि आपके लिए जो घटनाएं हैं वो अच्छी नहीं हो रही है, परिस्थिति आपके लिए अच्छी नहीं हो रही थी। हालांकि पिछले जुलाई और अगस्त में तो ऐसी परिस्थिति थी कि आपके सामने वाले व्यक्ति भी आप पे हावी हो रहे थे, आपका कुछ सुन के लिए भी नहीं ले रहे थे, और पिछले करीबन 15-20 दिनों में तो आपने ये भी देखा कि आपके घर के वाले जो मेंबर्स है, घर के जो मेंबर्स है वो भी आपके आपके विरोध में जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति आपने देखी हुई रहेगी। लेकिन अभी पूरी तरह से जो चित्र है वो पूरी तरह से अलग होगा क्योंकि जैसे ही यह गुरु आपके पंचम भाव में जाएगा और वहां पर वो करीबन आगे आने वाले 1 साल तक वहां पर विराजमान होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हर एक जो क्षेत्र है, मतलब आपके पैसे के मामले हो या फिर आपके संतति के बारे में हो या फिर आपके खुद का जो नजरिया है समाज को देखने का, तो वो पूरी तरह से पॉजिटिव होगा, पूरी तरह से, मतलब जो नसीब जिसे हम बोलते हैं ना, लक फैक्टर बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा होगा। कई ऐसी जो बातें हैं जो बातें अभी तक पेंडिंग हुई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी किन्हीं कारणों के कारण, वो बातें, वो जो काम थे वो धीरे 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 आगे बढ़ेंगे और पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। अभी तक आपके जो मित्र परिवार था उन्होंने आपको उनके भी कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो आपको सहायता नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। दूसरी बात लाभ के बारे में, जिसे हम प्रत्यक्ष लाभ बोलते हैं, वह भी लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कोई जो कारण है जिसकी वजह से आपके जो लाभ थे उसमें थोड़ा अटका हुआ था, लेकिन यह जो लाभ है यह लाभ आपके धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे। और इस सभी का जो कारण बोलते हैं वो कारण यही होगा कि आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक और बढ़िया होगा। सप्तम स्थान में आपने देखा कि आपके सप्तम स्थान में मंगल और केतु था पिछले 2-2.5 महीने से, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार थे या फिर साथीदार थे उनके साथ आपकी जम नहीं रही थी, आपकी कोई भी प्यार वो मान नहीं रहे थे, हालांकि वो आपके ऊपर हावी हो रहे थे, तो ये बात इस महीने में पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। मतलब आपने सोचा भी नहीं था, आपको अभी लगता भी होगा कि ये जो बात है वो आगे भी ऐसी चली रहेगी और आपका आपके ऊपर का जो अविश्वास है वो अविश्वास बढ़ते हुए जा रहा है। आपके घर वाले जो मेंबर्स है वह भी आपके ऊपर विश्वास नहीं दिखा रहे। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, आपका जो साथीदार है, मतलब जीवन साथी है, वह भी आपके ऊपर विश्वास नहीं दिखा रहा है, तो यह जो बात थी वो यह बात बहुत खटकने वाली थी आपके लिए।
लेकिन ये इस अक्टूबर महीने में ये पूरी बात चेंज हो जाएगी घर वालों के बारे में, जैसे मैंने कहा उसी तरह से अगर आपका विवाह हुआ है तो अगर आप विवाहित हो तो आपको आपका जो वैवाहिक जोड़ीदार है उससे भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब आप दोनों के बीच की जो हारमोनी है वो हारमोनी फिर से नॉर्मल होते हुए नजर आएगी, कि जो बहुत अच्छा है आपके वैवाहिक जीवन के लिए। स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत सारी परेशानी वगैरह नहीं रहेगी, क्योंकि आपके जो षष्ठ भाव में जो शनि है वह भी मार्गस्थ हो रहा है और इसके लिए वह शनि आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, तो उसके लिए ज्यादा सोचने की ज्यादा विचार करने की कोई भी बात नहीं है। यह जो दिनांक है इस दिनांक को थोड़ा याद में रखो, क्योंकि इस दिनांक में कुछ अलग से आपको कुछ घटनाएं हैं या फिर समस्याएं वो सामने आ सकते हैं। हालांकि वो टेम्पररी फेज के लिए है, 2-3 दिनों के लिए है, लेकिन उस वक्त आपका जो माइंडसेट होगा वो इतना ठीक नहीं रहेगा। 7, 8, 9 इन तारीख को बुध और हर्षल का प्रतियोग है। बुध और हर्षल प्रतियोग करेंगे आपके चतुर्थ और सप्तम भाव में 7, 8, 9 तारीख को। इन दिनों में क्या होगा कि कोई जो बात है वो कोई ऐसी बात रहेगी जो आप घर वालों के सामने रखेंगे। मतलब आपके लिए ऐसी बात है कि इस तरह से आप एक्सपेक्ट करोगे आपके घर वालों से कि यह कोई भी बात होगी वो इस तरह से आगे बढ़ानी है, तो मे भी उसमें थोड़ा बहुत विरोध हो सकता है घर वालों से, थोड़े बहुत वाद विवाद भी हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ मतलब नेगेटिव जो बात है वो सामने नहीं आएगी, नकारात्मकता पैदा नहीं होगी। लेकिन इन दिनों में ऐसा कुछ होगा जिसके वजह से आपके थोड़े बहुत घर वालों के साथ विवाद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा उसका जो परिणाम हो ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, इन्हीं दिनों तक वो थोड़ा बहुत सीमित हो सकता है। दिनांक 18, 19 और 20 इस तरह को बुध और मंगल का केंद्र योग है, जो कि आपके चतुर्थ और सप्तम भाव से है। वह दिन है 18, 19, 20। इन दिनों में आपका जो वैवाहिक जोड़ीदार है उसको लेकर कुछ ना कुछ तो तकरार हो सकती है घर में, मतलब आपकी नहीं होगी घर में होगी, मतलब घर के लोग हैं वह आपके जो जोड़ीदार होंगे उसके साथ कुछ तकरार वगैरह होने के चांसेस हैं, तो उन दिनों में आपको थोड़ा सा मध्यस्थगी का जो रोल है, मध्यस्थ का रोल है वो निभाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपका जो जोड़ीदार है उसके साथ कुछ मतभेद होने के चांसेस है आपके फैमिली मेंबर से, मे बी वो आपके संतान हो या फिर कोई और, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है जरूर, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। 22, 23 और 24 इन दिनों में रवि प्रतियोग हर्षल हो रहा है, कि जो चतुर्थ और दशम स्थान से होगा। तो इन दिनों में क्या होगा, 22, 23, 24 इन दिनों में क्या होगा, आपके घर के जो प्रधान व्यक्ति है जिसके ऊपर ही पूरा घर का मतलब वो डिसीजन मेकर है, कि जिसके चलते वो डिसीजन लेते हैं, तो वो जो प्रधान व्यक्ति होगी उसके साथ कोई ना कोई तो तकरार घर पर होने वाली है। मतलब उनके जो बिहेवियर है उसके साथ, उनकी जो जीवन जीने का जो ये है उसके साथ कुछ ना कुछ तो तकरार किसी की हो सकती है, जिसकी वजह से आपके घर में कोई ना कोई तो ऐसी समस्या है, मतलब वाद विवाद कहिए तो वो वैसे होने वाले, वो थोड़े बहुत रहेंगे, 2-3 दिनों के लिए रहेंगे, लेकिन आपके आपके लिए वो अनुभव जरूर होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, हर एक महीने में अशुभ दिन होते हैं, जो कि आपके उस दिन में आपका जो माइंडसेट होता है, आपकी जो मनस्थिति होती है वो इतनी अच्छी नहीं रहती। मतलब आपको लगता है कि जो सामने वाली जो व्यक्ति है वो अच्छे नहीं रिएक्ट कर रही है आपके साथ, या फिर ऐसा भी लग सकता है कि आपका जो मनस्थिति है, मनस्थिति इन दिनों में आपकी अच्छी नहीं रहेगी। तो हर एक महीने में ऐसा कालावधि हर एक जो राशि है उसमें आता है। अगर आपके पास पेन या कलम हो तो यह कालावधि या फिर यह जो दिन है वो अगर आप ध्यान में रखो तो इन दिनों में कोई बड़ी बात या फिर बड़े डिसीजन नहीं लेना। मैं आपको दिन बता देता हूँ, वो दिन अशुभ दिन है आपके लिए अक्टूबर 2018 में। तो वो दिन है 15 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख और जो शुरुआत के जो दिन है 2 तारीख और 3 तारीख। यह जो दिन है यह दिन आपको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। इन दिनों में आपकी जो मनस्थिति रहेगी वो मनस्थिति इतनी अच्छी नहीं रहेगी, और जब भी आपकी मनस्थिति अच्छी नहीं रहती तभी कोई भी डिसीजन लेना गलत साबित हो सकता है, क्योंकि हम इमोशंस में, भावना में बह जाते हैं, जिसकी वजह से डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते। तो यह जो बात है वो बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखो। तो मित्रों, ये था कर्क राशि के लिए अक्टूबर 2018 का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, किस तरह से आपने अनुभव किया,
यह अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।